हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम केबीज बायोलॉजी। तो मैं आज आपको आइडेंटिफिकेशन, जो कन्वेंशनल आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो माइक्रोबायोलॉजिकल जो बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन होता है, बैक्टीरिया और फंगल जो आइडेंटिफिकेशन होता है, वो उसके बारे में हमने जो पिछली वीडियो में देखा था वो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन देखा था। ओके, तो मशीन के द्वारा जैसे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वाइटेक टू कॉम्पैक्ट सिस्टम से हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा है। मगर इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैन्युअली और ट्रेडिशनल मेथड और कन्वेंशनल मेथड जो होती है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इस वीडियो में जानेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं विदाउट एनी मशीन्स। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें पहले क्या करना जरूरी होता है, जो कुछ भी हमारे पास सैंपल है। ओके, जैसे कि मान लो सॉइल सैंपल है। ओके, जो सॉइल सैंपल है उसमें से, ओके सॉइल सैंपल है, फर्स्ट सैंपल है। ओके, उसके बाद जो ब्लड सैंपल होता है, ओके एक्सेट्रा, जो सैंपल्स होते हैं, ओके वो सैंपल्स का हम क्या करते हैं, सीरियल डाइल्यूशन करते हैं। सीरियल डाइल्यूशन, तो आप सभी को पता ही होगा कि सीरियल डाइल्यूशन क्या होता है, उसको कैसे किया जाता है। अगर आपको पता नहीं है कि सीरियल डाइल्यूशन कैसे करते हैं, तो हमारे चैनल पे उसका वीडियो है, वो आप जरूर जाके देख सकते हो। ओके, तो सीरियल डाइल्यूशन किया, उसको 10^-1, 10^-2, 10^-, अप टू 10^-9 पर तक। ओके, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं 10^-6, 7, 8, 9, 10। उससे क्या करते हैं, हम एक लूप फुल सस्पेंशन लेते हैं। ओके, लूप फुल सस्पेंशन लेते हैं, और ये लूप फुल सस्पेंशन हम क्या करते हैं, प्लेट पे स्ट्रिक करते हैं, स्प्रेड करते हैं। ओके, स्प्रेड करते हैं, स्प्रेड करने के बाद हम उसको इंक्यूबेट करते हैं। ओके, इंक्यूबेट करते हैं हम 32 डिग्री सेल्सियस को, 36 डिग्री सेल्सियस को 24 आवर्स तक। ओके, इसको इंक्यूबेट करते हैं। तो यहां में जो ग्रोथ आती है इस प्लेट पे आफ्टर इंक्यूबेशन, उस ग्रोथ को हम क्या करते हैं, उस ग्रोथ से सेपरेट कॉलोनी जो रहती है, जैसे कि मान लो ये कॉलोनीज है। ओके, तो यहां से हम क्या करते हैं, कॉलोनी पिकअप करते हैं। जैसे कि मान लो ये कॉलोनी हमने यहां से ली, ये कॉलोनी यहां से ली, ये यहां से और ये यहां से, तो इसको हम सेकंड मीडिया पे, और मीडिया पे सेकंड वाला जो प्लेट होता है मीडिया का, उसके ऊपर यहां पे स्ट्रिक करते हैं। ओके, यहां पे स्ट्रिक करते हैं। ओके, स्ट्रिकिंग करने के बाद उसको फिर से हम क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं। स्ट्रिकिंग होने के बाद हम उसको इंक्यूबेट करते हैं 36 डिग्री सेल्सियस को 24 आवर्स तक। और आफ्टर इंक्यूबेशन जो कॉलोनीज आती है वो क्या रहती है, ये कॉलोनीज सेपरेट कॉलोनीज और सिंगल कॉलोनी का रहता है, इसीलिए यहाँ पे प्योर कल्चर भी हम उसको कहते हैं, प्योर कल्चर और आइसोलेटेड कॉलोनी। ओके, सिंगल कॉलोनी का यहाँ पे रहता है। तो यहां से हम जो कॉलोनी आती है उसका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो रहता है यहां से हम लेते हैं। ओके, ऐसे डिफरेंट कॉलोनी आती है मगर ये आइसोलेटेड कॉलोनी रहती है। ओके, तो जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहती है यहां से हम लिखते हैं, जैसे कि कॉलोनी साइज, कॉलोनी शेप, कॉलोनी कलर, क्लीवेशन, कंसिस्टेंसी,
ओपेसिटी, ओके, उसके बाद ग्राम्स करेक्टर। तो एक्सेट्रा, तो इस प्रकार के जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये हम इस कॉलोनी से, ये जो कॉलोनी होती है इस कॉलोनी से लेते हैं। और जब हम ग्राम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक करते हैं, तो यहाँ पे जो ग्राम कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्राम कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर यहाँ पे मीन्स ग्राम पॉजिटिव रॉड, ग्राम नेगेटिव रॉड, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ऐसे आ गए, ओके एक्सेट्रा। तो इस रिजल्ट के बेसिस पे हम जो बर्गिस मैनुअल होता है, बर्गिस मैनुअल ऑफ बैक्टेरियोलॉजी, ओके, ये भी बैक्टीरियल कॉलोनी होगी, तो बैक्टेरियोलॉजी का बर्गिस मैनुअल रेफर करेंगे। उसके बाद जब ये फंगल रहेगी तो उसको फंगल बर्गिस मैनुअल रेफर करेंगे, मगर यहाँ पे हम जनरली यही क्या करते हैं, रेफर करते हैं जो बर्गिस मैनुअल होता है। बर्गिस मैनुअल ऑफ बैक्टेरियोलॉजी, तो इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट ग्राम कैरेक्टरिस्टिक के, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के यहाँ पे चार्ट्स दिए होते हैं, ओके। तो उस चार्ट्स पे लिखा होता है, जैसे कि मान लो ग्राम पॉजिटिव रॉड, ग्राम नेगेटिव रॉड होगा, तो ग्राम नेगेटिव रॉड के लिए कैटेलेस्ट टेस्ट जो होगी, कैटेलेस्ट टेस्ट, ऑक्सीडेज टेस्ट, ओके, उसके बाद इम्यूट टेस्ट, ये जो टेस्ट होगी एचएस टेस्ट, उसके बाद सिट्रेट टेस्ट, ये यहाँ पे सिट्रेट टेस्ट यहाँ पे भी कवर हो जाती है, मगर जो सल्फर टेस्ट होती है यहाँ पे, एचएस टेस्ट हम उसको कहते हैं। तो ये जो टेस्ट रहती है, जैसे कि ग्राम नेगेटिव में कैटलिस्ट टेस्ट, ऑक्सीडेज टेस्ट और इम्यून टेस्ट, ये टेस्ट दिए रहते हैं, ओके। जो मान लो स्टेफेलोकोकस ऑरियस होगा, स्टेफेलोकोकस ऑरियस होगा, ओके, तो उसमें क्या होता है, जो इम्यून टेस्ट रहते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट, ओके, ये जो कैटलिस्ट टेस्ट, ऑक्सीडेज टेस्ट, ये क्या होते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कैटलिस्ट पॉजिटिव रहेगा, ऑक्सीडेज नेगेटिव रहेगा, इम्यूट में जो इनोल पॉजिटिव रहेगा, ऐसे सिट्रेट नेगेटिव रहेगा, ऐसे टेस्ट का चार्ट दिया होता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से जो बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, ओके, बायोकेमिकल के टेस्ट होते हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव को हम कंपेयर करके वो ऑर्गेनिज्म उस फैमिली का होगा, वो ऑर्गेनिज्म उस जीनस का होगा, ऐसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, कन्वेंशनल मेथड से हम आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं और कर सकते हैं। तो जनरली ये क्या होता है, एक कॉलेज लेवल तक और रिसर्च लेवल तक यहाँ पे हम करते हैं। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल लेवल में जब जहां पे जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो उसमें जो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम रहता है, जैसे कि बायोटेक वन कॉम्पैक्ट टू सिस्टम, तो उसके बेसिस पे हम वहां पे आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो आपको ये जो कन्वेंशनल मेथड जो है आइडेंटिफिकेशन का, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो हमारे इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।